गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो ये आपको दिखा रहा हूँ मस्जिद कुबा का व्यू। तो चलें आप लोगों को विज़िट करवाता हूँ, इनसाइड का मंजर भी दिखाता हूँ और ये बाहर का मंजर भी आप देख रहे हैं। तो ये मस्जिद कुबा वो जगह है जहाँ पे आप अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम को तबलीग दिया करते थे। यहाँ पर इस्लामी तालीमात का दर्स दिया जाता था और इसी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि आप दो नवाफल अगर अदा करें तो आपको हज के बराबर सवाब मिलता है। तो ये मस्जिद कुबा है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है और यहाँ पे बहुत रश रहता है पाकिस्तानियों का और अदर इंटरनेशनल जो मुसलमान भाई हैं, बहुत रश लगा रहता है यहाँ पे। मैंने 3 दफ़ा यहाँ पे तकरीबन विज़िट किया है तो यहाँ पे माशाल्लाह रश रहता है। लोग नवाफल अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और यहाँ पे लोग वीडियोज़ तस्वीर भी बनाते हैं। तो जब भी आप मदीना पाक में आएँ तो ये मदीना के शहर के अंदर यह मस्जिद कुबा, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें और आपको दो नवाफल अदा करने से हज के बराबर का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और जितने ज़्यादा नवाफल अदा कर सके आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ही नवाफल अदा करें ताकि आपको ज़्यादा सवाब हासिल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर नमाज़ें भी पढ़ी हैं और नवाफल भी बहुत सारे अदा किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है और माशाल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नमाजी भाई आते हैं तो यहाँ पे वो लोग नमाज अदा करते हैं, नवाफल अदा करते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको भी आने का मौका दे, आपके लिए दुआ करते हैं। तो अभी ये आप देख रहे हैं कि बाहर का मंज़र है, मैं आपको अंदर का मंज़र भी दिखाता हूँ तो आप ये पूरा सीन देख लें। तो गाइस ये देखें, ये अंदर का मंज़र है और माशाल्लाह बिल्कुल ही जहाँ पे इमाम साहब इमामत करवाते हैं उसके पीछे मुझे नवाफल पढ़ने का मौका दिया अल्लाह पाक ने और मैंने जितनी मेरी हिम्मत थी मैंने नवाफल पढ़े हैं। तो ये अपने लिए हर इंसान करता है, तो आप जितने नवाफल अदा कर सकें मैक्सिमम से मैक्सिमम अदा करें। और ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पर ना एक रूहानी सुकून मिलता है। मैं कहता हूँ कि जितना आप कहें ना कि बंदा जितना भी गुनाहगार हो ना तो ऐसी जगहों पे ऐसी मसाजिद में नवाफल अदा करें, मैं कहता हूँ सारे उसके गुनाह जो है ना अल्लाह पाक माफ़ कर देगा। तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे ऐसी जगहों पे ऐसी मसाजिद में नमाज़ पढ़ने की, अल्लाह पाक की इबादत करने की। तो मैं भाई बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत ही सुकून मिला इस जगह पे आके और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की हिस्ट्री और तारीखी जगहों पे जाके तारीखी मसाजिद में मैंने नमाज़ें पढ़ी, नवाफल अदा किए, मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने इतनी दुनिया घूमी फिरी है, इतनी इंटरनेशनल कंट्रीज़ में मैं गया हूँ ना, मुझे लगता है कि मैंने टाइम वेस्ट किया, अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद की है ऐसी कंट्रीज़ में रहकर। मुझे सऊदी अरबिया में आना चाहिए था और यहाँ पर आकर इस्लाम की जो तारीख जानने को मुझे मिली है तो मैं उसके लिए अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वो एक वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करूँगा जल्दी इंशाल्लाह, इस्लाम की तारीख जहाँ पे जहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ, खाना काबा की हिस्ट्री है, आप ले इस्लाम किस तरह हिजरत करते रहे और किस तरह आप ले इस्लाम की जो वालदा थी वो वफात पा गई, रास्ते में उनका जो कब्र मुबारक है वहाँ पे भी वो भी एक स्टोरी है, वहाँ पे भी मैं गया हूँ, वहाँ पे जाने नहीं देते। एक मुतवा फिर रहा होता है, उसकी ड्यूटी है 24 आवर्स, वो कहता है कि यहाँ पे शिर करने के लिए लोग आते हैं। तो वो व्लॉग भी आप देखेंगे। तो आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह मस्जिद है और आप इसका व्यू जो है वो पूरा देखें, वीडियो एंड तक देखनी है आपने। ये अंदर का व्यू है और लेडीज़ वाली साइड पे भी इस तरह से आधे से कम मस्जिद उनको दी गई है वहाँ पे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ पे नवाफल पड़े हैं। तो ये छोटा सा एक क्लिप है, तो मैंने सोचा कि बंदा कोई अच्छा काम करे तो वो भी दिखाए ताकि दूसरे लोग गवाह बन जाए इस चीज़ में। तो अल्लाह पाक आप सबको मौका दे भाई, मैं तो आया हूँ जहाँ पर जितनी मैंने इबादत की है उतनी मैंने तमाम भाइयों के लिए दुआ की है और तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए कह सकते हैं उन्होंने सबके लिए दुआ की है ताकि अल्लाह पाक उन सबको यहाँ पे आने का मौका दे। तो ये है मस्जिद कुबा जो आपने देखी, अंदर का मंजर भी आपने देखा, बाहर का भी। और जो दोस्त कुछ जानना चाहे तो वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में नीचे। ये दूसरी साइड है, यहाँ से जो है ना जेंट्स की एंट्री है और ये लेफ़्ट साइड पर वहाँ से ना लेडीज़ की एंट्री है। तो मस्जिद कुबा आना चाहिए आप लोगों को, जितने भी आप लोग उमरा करने के लिए आते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह और इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ें, नवाफल अदा करें।
तो ये आज का हमारा व्लॉग था, तो लाइक कर दें प्लीज़।